हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न करना सीखेंगे। तो हमारा प्रश्न है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। तो वह क्या कह रहा है, किसी संख्या की, तो हम संख्या मान लेंगे एक्स। तो माना वह संख्या क्या मान लेंगे, एक्स है। अब प्रश्न को दोबारा से पढ़ेंगे, किसी संख्या के 60%, तो एक्स का 60% और 60% का 3/5 कितना कह रहा है, 36, तो बराबर 36। अब इसको हल कर लेंगे, तो एक्स 60% को हम क्या लेते हैं, 60/100, तो परसेंट अट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। और इसको 2 से काटें तो कितनी बार कटे, 3 बार। इसको 2 से काटें तो कितनी बार कटे, 5 बार। और गुणा कितना है, 3/5 पहले से दिया है, बराबर 36। तो एक्स का और 3 3 गुणा करें तो कितनी जाएगी, 9x, और 5 5 गुणा करें तो 5 25, तो बराबर कितना है, 36। हमें x का मान चाहिए, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1, और 9x का 1 से गुणा करेंगे तो 9x, और 25 से गुणा किससे करें, 36 से, तो 25 गुणा 36। अब इसमें हम 9 का भाग दे देंगे, तो x बराबर 25 गुणा 36/9, तो 9 चौक 36, और 25 गुणा 4 से करें तो 25 चौक 100, तो x बराबर हमारा मान निकल गया है 100। यही हमारा क्या है, आंसर है। तुम्हारा नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो हम संख्या क्या मान लेंगे, एक्स। तो माना वह संख्या क्या मान लेंगे, एक्स, एक्स है। अब प्रश्न को दोबारा से पढ़ें, किसी संख्या के 60%, तो एक्स का क्या मान लेंगे, 60% मैं 40 जोड़ने पर, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 40 जोड़ने पर संख्या का, तो संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो संख्या क्या मानी हमने, एक्स, तो इसका कितना प्राप्त होता है, 80% प्राप्त होता है। अब इसको हल कर लेंगे, तो एक्स गुणा 60% को हम क्या लिख देंगे, 60/100, और प्लस 40, इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स 80 को क्या लिखेंगे, 80/100। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से इसको काटें 3 बार, 2 से 10 को काटें 5 बार, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से 8 को कितनी बार काटें, 4 बार, 2 से 10 को कितनी बार काटें, 5 बार। तो एक्स गुणा 3/5 प्लस 40 बराबर एक्स गुणा 4/5, तो एक्स का इसमें गुणा आएगा, तो 3x/5 प्लस 40, इसमें भी एक्स का गुणा आएगा, 4x/5। अब दोस्तों, एक एक्स वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे, बगैर एक्स वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे, तो 3x/5, 4x/5 को इस तरफ लाएँ तो माइनस की जाएंगे, क्योंकि इस तरफ प्लस की है, तो 4x/5, 40 बराबर, तो इस तरफ लाएगी तो माइनस की आएगी, तो माइनस की 40। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो 5 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 5 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बजाय, 1 बार, और 1 से 3x से गुणा करें तो 3x की 3x, माइनस की माइनस, 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बजाय, 1 बार, 1 का गुणा 4x से करें तो 4x की 4x, बराबर माइनस की 40। 4x में से 3x की तो कितना बचेगा, माइनस के x 5 बराबर माइनस के 40। अब हमें x का मान चाहिए, तो 40 के नीचे क्या मान लेंगे, 1, माइनस के x थे और 1 से गुणा करें तो माइनस के x बराबर 40 गुणा
पाँच से करें तो माइनस कितना आएगा, 200। माइनस तो माइनस कट जाएगी, तो एक्स का मान कितना निकल गया है, 200। ये हमारा एक्स का मान है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।